हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो मेरा नाम है कुंदन मांकड़ और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टार्ट से लेके एंड तक इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एज यू गाइज नो कि इस चैप्टर का यूज हर एक चैप्टर के अंदर आता है। आगे जाके इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में इसके अंदर से कई सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यूज आ रही होती है, ठीक है? तो बेसिकली हर चैप्टर में इसका यूज आएगा। तो इसलिए हम इस चैप्टर को अगले एक घंटे में, क्योंकि आपको पता है कि ये माइंड मैप सीरीज है, तो माइंड मैप सीरीज के अंदर बेसिकली वी रिवाइज द एंटायर चैप्टर विद इन 1 आवर। एक घंटे के अंदर अंदर मेरा टास्क ये है कि पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट किया जाए। चैप्टर लेंदी है बट सीरीज का पर्पज भी यही है ना? कि ऐसा नहीं 4 घंटे ये सीरीज चल गई। सीरीज का पर्पज ये है कि एक शॉर्ट रिविजन हो जाए। आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा हो, फटाफट से रिवाइज करना हो, सारी इंपॉर्टेंट बातें आप कर सकते हैं यहां से, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम एंगल्स पढ़ेंगे, फिर पॉलीगन, फिर अलाइड एंगल्स एंड ग्राफ्स, देन सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, डबल एंगल फॉर्मुलाज, हाफ एंगल फॉर्मुला, समीशन फॉर्मुला, सारे देखेंगे अपन। फिर रेंज के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, देन सीरीज समीशन एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो सारे टॉपिक्स अपन लोग कवर करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग विद, देखो, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम मतलब जहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। रेडियन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर यूनिट्स इज डिफाइंड एज थीटा बराबर एल बाय आर रेडियन। एक सर्कल है, इसमें ये जो एल यूनिट का आर्क है, ओके, और इसकी रेडियस अगर आर है, तो दिस एंगल थीटा इन द रेडियन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, या फिर अपन लिखते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो दिस एंगल थीटा इज इन रेडियन, ठीक है? ये एंगल थीटा रेडियन के अंदर आता है ना? तो जैसे कि अगर एल और आर बराबर है तो थीटा बराबर 1 रेडियन होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला है थीटा बराबर एल बाई आर। इफ लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस इज सेम, देन द एंगल सबटेंडेड बाई दिस आर्क एट द सेंटर इज 1 रेडियन। अगर यहां पे देखा जाए तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, राइट? और 2πr का अगर मैं 1/4 ले लेता हूं, विच इज 2πr/4, तो एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर इज 2πr/4 डिवाइडेड बाय r, दैट एंगल विल बी π/2 रेडियन। एंड π/2 रेडियन को ही डिग्रीज के टर्म्स में लिखे तो 90 डिग्री। डिग्री इस तरीके से डिफाइंड होता है, 1 डिग्री इज डिफाइंड एज कि हम 90 डिग्रीज को अगर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक राइट एंगल को बेसिकली 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, देन ईच पार्ट इज 1 डिग्री। दिस इज हाउ वी डिफाइन द डिग्री, ओके? और हमें पता है कि दिस इज गोइंग टू बी पाई रेडियन। ये जो आर्क है ये पाई रेडियन, और सेंटर के ऊपर 2π रेडियन है ना, सबटेंड होता है। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो अबाउट दिस थिंग, पाई किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ओके बच्चा बाटी, डिग्रीज को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है ना? ठीक है, देखो, एक डिग्री को हम लोग 60 मिनट्स लिखते हैं और 1 मिनट को फर्दर 60 सेकंड्स में भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बातें अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होती, बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर। 3.14 इज अ रैशनल नंबर, तो एक इरेशनल रैशनल एग्जैक्टली सेम थोड़ी ना हो सकता है, बट उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की अपन लेते हैं 3.14। तो 3.14 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 डिग्री। 3.14 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका आधा कर देंगे तो 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन के टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो 90 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.57 रेडियन। ठीक, कितनी बात है? हाँ जी, तो 2 रेडियन विल बी सबटेंडेड इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना? 2 रेडियन सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होने वाला है, ठीक है? देखो, 1.57 रेडियन हो जाता है 90 डिग्री के इक्वल। 90 डिग्री मींस 1.57 रेडियन।
तो टू रेडियन जो हो जाएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट का कहीं एंगल होने वाला है टू रेडियन, ठीक है। एंड ध्यान रखे कि वन रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57 डिग्री होती है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वन रेडियन की 57 डिग्री के आसपास होती है। ओके, तो टू रेडियन देखा जाए तो 57 2 जा, ठीक है, 114 डिग्री, 114 डिग्री हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा, ठीक है। थ्री रेडियन ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, क्योंकि देखो पाई रेडियन होता है 3.14 के इक्वल, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 3.14, अप्रोक्सीमेटली 3.14, तो थ्री रेडियन जो होगा वो पाई से जस्ट छोटा है, पाई से जस्ट छोटा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। सिक्स रेडियन विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो टू पाई रेडियन ये हो जाएगा कंप्लीट सेंटर के ऊपर, ये टू पाई रेडियन सब्ट्रैक्ट करता है, टू पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.28, 6.28 से जस्ट छोटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा हमारे पास सिक्स रेडियन, ठीक है। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम, मतलब डिग्री सिस्टम के टर्म्स में कन्वर्ट करो इसको, ओके। तो पाई रेडियन बाई फोर है ना, पाई बाई फोर को अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो या तो पाई की वैल्यू रख दो 180 डिग्री, नहीं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ जी, तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट होना करना होता है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल यूनिटरी सिस्टम है बेसिकली, क्योंकि हमें पता है बच्चा बाटी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज, ओके, दोनों साइड पाई से मल्टीप्लाई कर दो है ना, दोनों साइड पाई पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे पाई बाई 4 के बारे में देखना है, तो पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4 डिग्रीज, ठीक है, तो कैंसिल आउट होके ये 45 डिग्रीज बन जाएगा, ओके। तो पाई बाई 4 रेडियन को अपन 45 डिग्री लिखते हैं, या फिर ऐसा समझो कि पाई बाई 4 को अगर मुझे डिग्रीज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। देखो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि 1 रेडियन को कन्वर्ट करो इन डिग्रीज, ठीक है, जो मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज होता है, वही चीज अपन यहां पे प्रूव कर लेंगे करेंगे, ठीक है। तो अपने को पता है कि देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज, ओके, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 180 अपॉन 22/7 डिग्रीज, 180 बाई 22 ये 11 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 7 9 6 30 हो गया बाई 11 डिग्रीज, 630 बाई 11 डिग्रीज को कैलकुलेट करोगे तो 11 5 55, ठीक है, 8 आया, 11 7 77, ठीक है, हाँ जी, तो ये अपने पास 11 5 55, 8 आ गए, 11 7 3 बचा, 3/11, 57:3/11 डिग्रीज हो जाता है हमारे, 57:3/11 डिग्रीज। अब अगर ऑप्शंस में मिनट के टर्म्स में या सेकंड के टर्म्स में भी दे रखा हो तो 3/11 डिग्रीज को अपन मिनट्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि भाई 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के इक्वल, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, तो 3/11 डिग्रीज दोनों साइड 3/11 से मल्टीप्लाई करें तो 3/11 × 60 मिनट्स के इक्वल हो गया, ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो 3/11 डिग्रीज में 3/11 × 60 मिनट्स हो जाएंगे, ओके, तो दैट इज बेसिकली 180 अपॉन 11 मिनट्स, ओके, 180 को 11 से डिवाइड करें तो 11 1 11 7 11 6 66, तो 16:4/11 मिनट्स हो गया ये, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 57 डिग्रीज 3/11 डिग्री को मैंने लिखा, 3/11 डिग्रीज को मैंने लिखा 16:4/11 मिनट्स, ठीक है। अब 4/11 मिनट्स को फर्दर अपन सेकंड के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि अपने को पता है कि भाई 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 4/11 मिनट्स इज इक्वल टू 4/11 × 60 सेकंड्स, ठीक है, तो ये 240 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं है ना, तो 11 2 जा 22,
टू आया, 11 वन ज़ा 11, तो 22 इज टू 9 बाई 11 सेकेंड्स, जिसको अप्रोक्सीमेटली अपन 22 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो 57 डिग्रीज, ये बन रहा है 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स, ठीक है। ओके बच्चे पार्टी, 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, दैट इज 1 रेडियन। तो ध्यान रखें 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 57 डिग्रीज के इक्वल। ओके, अब पॉलीगन के बारे में बात करें तो एन साइडेड पॉलीगन इज सेट टू बी रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। सारी साइड्स इक्वल होंगी तो सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होने वाले हैं। कॉन्वेक्स पेंटागन, कॉनकेव पेंटागन, कॉनकेव का मतलब होता है कि कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, है ना। जैसे ये इंटरनल एंगल 180 डिग्री से अगर ज्यादा आ रहा है, कोई भी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे कॉनकेव बोलते हैं। अगर सारे के सारे एंगल 180 डिग्री से कम हो तो उसको अपन कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। अ थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज अ स्क्वायर, यस वी नो दैट। ये हमें डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इंटरनल एंगल अगर अपन निकाले किसी भी पॉलीगन का, देखो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, अगर ये एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, सेंटर पे हमें पता है टोटल एंगल 2 पाई सबटेंड करता है, तो ईच साइड विल सबटेंड 2 पाई बाई एन एंगल एट द सेंटर। हर एक साइड 2 पाई बाई एन एंगल सबटेंड कर रही होगी सेंटर के ऊपर, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। और इस साइड का जो आधा होगा वो पाई बाई एन एंगल सबटेंड कर रही होगी सेंटर, ठीक है। हाफ ऑफ दिस साइड विल सबटेंड अ पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन का आधा, दैट विल बी पाई बाई एन। तो हर साइड सेंटर के ऊपर 2 पाई बाई एन एंगल सबटेंड करती। सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज एन माइनस 2 इंटू पाई, है ना। सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल इज एन माइनस 2 इंटू पाई। जैसे अगर थ्री साइडेड पॉलीगन है, थ्री साइडेड पॉलीगन का मतलब ट्राइंगल हो गया, तो अगर n की जगह 3 रखूं तो 3 माइनस 2 विच इज 1, 1 इंटू पाई। तो पाई इज द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एन की वैल्यू 4 रखूं तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल मिल गया। क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटरनल एंगल का सम, जैसे क्वाड्रिलेटरल में आप स्क्वायर को तो जानते ही हो, ठीक है, सबका सम कितना होता है 2 पाई होता है। तो एन की जगह पर 4 रखोगे तो 2 पाई ही मिल रहा है। वैसे ही अगर पेंटागन के अंदर सारे इंटरनल एंगल का सम निकालना है, अपन निकाल सकते हैं इस तरीके, ठीक है। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन, ये फॉर्मूला ध्यान रखें, दैट इज इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू पाई। अगर रेगुलर पॉलीगन दे रखा हो और ईच इंटरनल एंगल पूछा गया हो, क्योंकि वहां पे तो सारे इंटरनल एंगल सेम हो जाएंगे, सबका सम एन माइनस 2 इंटू पाई आ रहा है, तो ईच इंटरनल एंगल हो जाएगा डिवाइड बाई एन कर दो, तो एन माइनस 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई एन, दैट इज ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये रेगुलर पॉलीगन के लिए बात सही है, ये हर पॉलीगन के लिए बात ट्रू है। कोई भी पॉलीगन हो, नंबर ऑफ साइड्स अगर एन दे रखी है, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स is n minus 2 into pi, okay, cool hai? The center of a regular polygon is the point which is equidistant from all the vertices, basically it is the center of circumcircle of the regular polygon, okay. So regular polygon mein jo center hota hai na, wo circumcenter bhi hota hai, wo incenter bhi hota hai, hai na. Jaise ek regular polygon hai, to yahan pe iska jo center ki distances from the two vertices is going to be same, है ना, ये दोनों सेम होगा। दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल आर से अपन डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर फ्रॉम एनी साइड, किसी भी साइड से डिस्टेंस निकालोगे तो उसको अपन स्मॉल आर से, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे, एंड स्मॉल आर इज बेसिकली द रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है। यहां से अपन इन सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस ऑफ इन सर्कल है। तो कभी भी पॉलीगन का सवाल आए तो ये डायग्राम को ध्यान रखें, ये टोटल एंगल सेंटर पे बना रहा है 2 पाई बाई एन, क्योंकि ये भी पाई बाई एन, ये भी पाई बाई एन, टोटल 2 पाई बाई एन एंगल बनाया जा रहा है साइड के द्वारा, ठीक है। स्मॉल आर एंड कैपिटल आर के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं अगर नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइड्स एन है तो यहां पे देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन निकल जाएगा कोसाइन से, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाई एन, यहां पे कॉस ऑफ पाई बाई एन इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए बी पे गौर फरमाए, तो बेस है स्मॉल आर, हाइपोटेनियस है कैपिटल आर, तो ये रिश्ता आता है
एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर के टर्म्स में, ठीक है। अब चलिए कॉस थीटा साइन थीटा की एक नई डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। एक यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, यहां पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक, क्लियर। ये प्रूव करना भी बहुत इजी है क्योंकि यहां पे हाइपोटेनियस की लेंथ वन यूनिट हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो होगा वन साइन थीटा एंड बेस जो होगा दैट इज वन कॉस थीटा। तो ये बेस की जो लेंथ है वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बता रही होगी और ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस थिंग, है ना। ये बात हमें पता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, प्रोजेक्शन रूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दिस इज एंगल थीटा, ये एल है हाइपोटेनियस, तो सामने वाली खिड़की में साइन थीटा रहता है, ध्यान रखना, है ना, कि दिस इज एल साइन थीटा, दिस इज एल कॉस थीटा, बेस का प्रोजेक्शन एल कॉस थीटा। तो यहां पे हाइपोटेनियस वन था, सामने वाली खिड़की में वन साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा ओनली, बेस हो गया वन कॉस थीटा। ये बेस जो है वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है और ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा होता है एक यूनिट सर्कल पे, ठीक है। बेसिकली हमें पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड फॉर ऑल द एंगल थीटा, थीटा कितना भी बड़ा एंगल हो सकता है। अब यहां पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि बच्चा पार्टी, एंगल जो हम लेते हैं ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल लिया जा रहा है तो उसको पॉजिटिव सेंस मिलेंगे, क्लॉकवाइज के अंदर एंगल ले रहे हैं तो उसको नेगेटिव सेंस के अंदर लेंगे, ओके। तो एंगल जो भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज विद रेफरेंस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में अगर थीटा एंगल आप, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज चले तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एंगल थीटा, ओके, सिंपल। एक चीज और ध्यान रखें कि थीटा एंड 2n पाई प्लस थीटा सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दोनों के डायरेक्शन सेम है। ये मैंने एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करी थीटा एंगल पे, फिर मैं बोलूं आपसे कि रे ऑफ लाइट 2n पाई प्लस थीटा एंगल पे ड्रॉ करो, 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो अगर मैं 2 पाई घूम जाता हूं फिर उसमें थीटा ऐड किया तो फिर से वही डायरेक्शन मुझे मिल रही है, 2 पाई और घूम जाऊं मतलब 4 पाई घूम जाऊं, दो रिवोल्यूशन करके मैं 4 पाई प्लस थीटा, तो वो भी सेम ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो डायरेक्शंस ध्यान रखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो एंगल होंगे, है ना, ये एंगल होंगे 0, ठीक है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के रेफरेंस में ये 0 बना रहा है एंगल, यही डायरेक्शन 2 पाई भी बना रहा है, यही डायरेक्शन 4 पाई भी बना रहा है, सारे एंगल्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे अपन बोलते हैं कि भाई 2n पाई डायरेक्शन होने वाली है, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन देखी जाए तो ये पाई एंगल सबटेंड कर रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जो एंगल्स होंगे वो हो जाएंगे पाई, फिर इसमें 2 पाई ऐड करते चले जाओ, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ये सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट कर रहे होते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n प्लस 1 इनटू पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, ठीक है, जहां पे n कोई भी इंटीजर है, 2n प्लस 1 इनटू पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाली डायरेक्शन के बारे में बात करें बच्चा पार्टी, है ना, सबसे पहले तो डायरेक्शन सीख लेना बेटा, ऊपर वाली डायरेक्शन जो होगी वो 2 पाई में थीटा, 2 पाई में पाई बाय 2 ऐड कर दिया, या 4 पाई में पाई बाय 2 ऐड कर दो, या 0 में पाई बाय 2 ऐड कर दो, है ना। तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन है दैट इज 2n पाई प्लस पाई बाय 2, कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई में पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ऊपर वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है, या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट किया, है ना, अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस पाई बाय 2, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करके या तो इसको ऐसा लिख दो 2n पाई माइनस पाई बाय 2, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में पाई बाय 2 ऐड किया गया है, है ना, पाई में पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो 3 पाई बाय 2 बन जाएगा, या फिर 2 पाई में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट करो तो भी ये डायरेक्शन क्या है, 3 पाई बाय 2 है, है ना। तो पाई बाय 2 ऊपर वाली डायरेक्शन, 3 पाई बाय 2 नीचे वाली डायरेक्शन, ओके। तो यहां पे जो एंगल्स आते हैं
या तो आप 2n पाई माइनस पाई बाय 2 इस तरीके से एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। ये सारे एंगल्स नीचे वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो देखो दो बातें याद रखो, इस डायरेक्शन में इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इस डायरेक्शन में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ऊपर नीचे जो होंगे वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 वाले जो एंगल्स है वो ऊपर या नीचे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शंस को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, 4n माइनस 1 एक ऑड नंबर है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऊपर वाली डायरेक्शन को देखेंगे तो दिस इज 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, एलसीएम लोगे तो 2 टू 4, 4n 4n पाई प्लस पाई बाई 2 विच इज 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ओके, अब जैसा कि हमने देखा था कि अगर एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे है तो इस सर्कल पे जो भी पॉइंट होंगे ना वो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 0, तो ये कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे कॉस ऑफ थीटा एंगल क्या है, यहां पे 2n पाई एंगल है ना, तो कॉस ऑफ 2n पाई कॉमा साइन ऑफ 2n पाई, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉस 2n पाई की वैल्यू इधर से आ जाती है 1 के इक्वल, साइन 2n पाई की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल, कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया। वैसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 0 और डायरेक्शन है, एंगल्स कौन से आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई कॉमा साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है, ये -1, 0 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 के इक्वल, साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 0 के इक्वल। तो इधर से एक बात समझ में आती है कि साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, या तो 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, यहां पे साइन 0 होता है क्योंकि यहां पे देखो y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अगर ये वाली डायरेक्शन है मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कॉस की वैल्यू प्लस 1 हो जाती है, ये वाली डायरेक्शन है मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे कॉस की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। ओके, ऊपर नीचे देखें अगर तो साइन की वैल्यूज पता चल रही है कि ऊपर वाली डायरेक्शन में साइन की वैल्यू प्लस 1, नीचे वाली डायरेक्शन में साइन की वैल्यू -1 क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 1, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पे प्लस 1 है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है, प्लस 1 है। और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, -1, तो यहां पे साइन थीटा वैल्यू -1 दे रहा है, ठीक है, इतनी बात है क्लियर। और कॉस 0 है दोनों पे, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे कॉस की वैल्यू 0 होती है क्योंकि ऊपर नीचे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रह रहे हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, नीचे वाली भी डायरेक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सॉरी, ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन नीचे वाली डायरेक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है क्योंकि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट ही कॉस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक और बात इधर कि हमें पता है कि cos थीटा कॉमा साइन थीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, तो अगर एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होता है तो cos थीटा साइन थीटा दोनों की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो यहां पे हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो x कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट sin की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर एंगल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो sin पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, sin पॉजिटिव होता है और sin का रेसिप्रोकल cosec, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, वो दोनों पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो दोनों नेगेटिव, ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पे tan बड़ा खुश रहता है क्योंकि tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है, तो tan थीटा यहां पे पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो हमेशा ध्यान रखें ऑल sin है ना T and C है ना, ऑल साइंस टीचर क्रेजी, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है,
ऑल मतलब सारे ही पॉजिटिव हैं। साइन से आप साइन को याद रखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ओके क्लियर है। जैसे कि अगर आपसे ये वैल्यू पूछ ली जाए कि साइन ऑफ 11 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, हमें पता है कि वैल्यू या तो प्लस 1 आएगी या माइनस 1 आएगी। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे साइन प्लस 1 या माइनस 1 दे रहा है, बट इन दोनों में से कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो मुझे ये देखना है कि 11 पाई बाय 2 किस तरफ है, क्या ऊपर वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 11 पाई बाय 2 को अपन ऐसा देख सकते हैं कि दैट इज 5 पाई प्लस पाई बाय 2, है ना, 5 पाई प्लस पाई बाय 2। तो ऑड पाई में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो नीचे वाली डायरेक्शन दिखाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में ऑड पाई हो जाता है, उसमें अगर पाई बाय 2 ऐड करोगे तो नीचे वाली डायरेक्शन है, नीचे वाली डायरेक्शन में साइन वैल्यू माइनस 1 दे देता है। वहीं पे अगर मैं कॉस के बारे में बात कर रहा हूं, कॉस ऑफ 11 पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही होनी है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस जीरो होता है। ठीक है, कॉस ऑफ 2n पाई, ध्यान रखे, इज इक्वल टू प्लस 1, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई दैट इज इक्वल टू माइनस 1, साइन ऑफ n पाई दैट इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है, एंड कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, 2n पाई राइट डायरेक्शन प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई, यहां पे माइनस 1 वैल्यू, साइन ऑफ n पाई की वैल्यू 0, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0 के इक्वल होती है। ओके जैसे इस टाइप का सवाल हो गया कि कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 5 बाई 13 है, थीटा पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो हमें इन सब की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 5 बाई 13, एक काम करते हैं, एक थीटा एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, कॉस रेशियो होता है बेस एंड हाइपोटेनियस का, तो बेस को 5 रख दो, हाइपोटेनियस को 13 रख दो, परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 12 के इक्वल। अगर थीटा एक्यूट एंगल होता, थीटा अगर एक्यूट एंगल होता तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो 5 बाई 13 आ जाती, साइन थीटा की वैल्यू 12 बाई 13 आ जाती, है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये वैल्यू आती अगर एक्यूट एंगल होता तो, बट एक्यूट एंगल नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये रहेगी, टेन थीटा की वैल्यू देखी जाए तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 12/5, और ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू 12/5, ये सारी वैल्यूज यहां पे रख दो। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो सेक थीटा की वैल्यू पता है, इसका ठीक रेसिप्रोकल कर दो, माइनस 13/5 दैट इज द वैल्यू फॉर सेक थीटा, अगर टेन थीटा की वैल्यू 12/5 है तो कॉट थीटा की वैल्यू 5/12 हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू ये है, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 13/12, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। ओके, वो सारी वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा। अब कुछ अलाइड एंगल्स के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लस या माइनस करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता है अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एंगल से प्लस या माइनस करें। ठीक है, जैसे अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो साइन थीटा ही आ जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, पाई ये डायरेक्शन होगी, उसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट किया है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा के बारे में बात करें तो ये भी साइन थीटा ही रहेगा, बट क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ गया और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, रहेगा तो कॉस का कॉस ही, बट वैल्यू नेगेटिव आएगी माइनस कॉस थीटा के इक्वल, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, टेन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई में से अगर थीटा सब्ट्रैक्ट किया है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, याद है ना आपको, देखो 2 पाई इस साइड पड़ेगा, 2 पाई में अगर थीटा ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, 2 पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि टेन नेगेटिव वैल्यू देता है तो इसलिए अपने पास आंसर आएगा माइनस टेन थीटा। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा
दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा ओनली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेंक दिया इसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2n पाई प्लस थीटा लिख रखा हो तो वही इसी के इक्वल है, जैसे टेन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा टेन थीटा के ही इक्वल है ना, कॉस ऑफ 4 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल है, सेक ऑफ 8 पाई प्लस थीटा सेक थीटा के ही इक्वल है, इवन पाई प्लस थीटा, समझ में आ रही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है तो सेम टू सेम वही वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ओके, साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा अगेन ऑड पाई, देखो 3 पाई इसी डायरेक्शन में है, 3 पाई में अगर थीटा ऐड किया है एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फेंक दिया इसने कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ 7 पाई माइनस थीटा ऑड पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा रहा है। देखो ऑड पाई में थीटा ऐड करोगे तो थर्ड, ऑड पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू माइनस टेन थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, sec ऑफ 8 पाई प्लस थीटा sec थीटा के ही इक्वल। ओके, साइन ऑफ 360 डिग्री का मतलब 2 पाई हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन थीटा के ही इक्वल। ये देखो 5 पाई माइनस थीटा है, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, तो इधर ये चीज ध्यान रखें हमेशा कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा, बट कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, एंड थीटा एंड पाई माइनस थीटा को ही अपन सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं ना, तो साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए मतलब थीटा एंड पाई माइनस थीटा, दीज टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम पाई के इक्वल हो जाए, है ना, तो साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू सेम होती है ना, जो हमें पता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा, साइन वहां पे भी वैल्यू वही देने वाला है, जबकि कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, है ना, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इधर से कुछ बातें ध्यान रखें कि अगर मैं आपसे कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू पूछूं तो आप डायरेक्टली इसको माइनस टाइम्स कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल, 2 पाई बाई 3 का सप्लीमेंट्री हो जाएगा पाई बाई 3, है ना। अगर मैं कॉस 6 पाई बाई 7 के बारे में पूछूं तो 6 पाई बाई 7 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है दैट इज पाई बाई 7, है ना, 6 पाई बाई 7 और पाई बाई 7 मिलके पाई बना रहे, तो कॉस ऑफ 6 पाई बाई 7 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 7, कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के ही इक्वल होती है, कोसाइन नेगेटिव खा जाता है, है ना, कोसाइन नेगेटिव खा जाता है, एंड द रीजन बीइंग कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि भैया साइन तो नेगेटिव फेंक देता है बाहर, कोसाइन नेगेटिव नहीं फेंक पाता बाहर, इसी को अपन ऑड फंक्शंस बोलते हैं, इसी को अपन इवन फंक्शन बोलते हैं जो नेगेटिव खा जाता है, तो नेगेटिव खाने वाला है कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों नेगेटिव पचा जाते हैं खा जाते हैं, जबकि साइन नेगेटिव को बाहर फेंक देता है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ओके, फिर देखो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब y एक्सिस से अगर यह प्लस या माइनस किया गया है तो यहां पे फंक्शन बदल जाता है, cos sin में sin cos में, ठीक है, tan cot में cot tan में, sec cos sec में cos sec sec में। ओके, जैसे cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा पूछा गया है तो मुझे पता है कि ये sin थीटा बनेगा, अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड कर रहा है, कि पाई बाई 2 प्लस थीटा पाई बाई 2 ऊपर की डायरेक्शन का एंगल हो गया, इसमें अगर मैं थीटा ऐड करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में फेंक रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कुछ नेगेटिव ही आएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना, कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव का कॉस थीटा। तो जब भी वाई एक्सिस से प्लस या माइनस कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलता है, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा बन जाएगा, है ना, कॉस को साइन में बदल देना, 3 पाई बाई 2 नीचे वाली डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 ये डायरेक्शन हो चुकी है, 3 पाई बाई 2 में थीटा ऐड किया मतलब यहां से एंटी क्लॉकवाइज बढ़े तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जा रहा है,
फोर्थ में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव का साइन थीटा है ना। टेन ऑफ 5π/2 - थीटा, 5π/2 मतलब 2.5π, ढाई पाई है ना, 5/2 मतलब ढाई हो गया, ढाई मतलब टू और आधा ऐड कर दे, मतलब 2π में 5/2 और ऐड कर दिया, ऊपर की डायरेक्शन शो कर रहा है ना। तो उसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट किया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बता रहा है, कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। देखो बच्चा बाटी, 5π/2 ऊपर की डायरेक्शन का एंगल है ना, क्योंकि देखो 2π में, 2π में पाई बाई टू ऐड करो, 2 में 1/2 ऐड करोगे तो 5/2 बनता है, तो 2π में पाई बाई टू ऐड करेंगे तो 5π/2 बनेगा। 5π/2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, वही 5π/2 में थीटा ऐड करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। तो 5π/2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा है ना। परिवर्तन जरूर कर देना, यहां पे परिवर्तन होता है, 7π/2 हो गया 3.5, 3.5 हो गया, 3π में आधा और ऐड कर दिया, मतलब ये नीचे की डायरेक्शन शो कर रहा है, 7π/2 ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। 7π/2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट किया है, तो मतलब ये पीछे ले जा रहा है ना, क्लॉकवाइज ले जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन ऑफ 7π/2 - थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 270 डिग्री नीचे की डायरेक्शन, 90 डिग्री ऊपर की डायरेक्शन, आप कमेंट कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है, ओके। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का ग्राफ ध्यान रखें, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, मैक्सिमम वैल्यू +1 देता है, मिनिमम वैल्यू -1 दे सकता है, ठीक है। +1 कहां पे दे रहा है, पाई बाई टू पे, फिर -1 3π/2 पे, 5π/2 पे फिर से +1, क्योंकि देखो π/2 ऊपर की डायरेक्शन, 3π/2 नीचे, 5π/2 ऊपर, 7π/2 नीचे, समझ में आ रही बात है, +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। और x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, मतलब साइन एक्स कहां जीरो होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, 0π, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन, यहां पे देखो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ ध्यान रहता है तो कॉसेक एक्स का अपना आप ध्यान रह जाता है, ठीक है। साइन एक्स -1 से 1 के बीच की वैल्यूज रहता है, और कॉसेक एक्स या तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज देगा, या -1 या -1 से छोटी वैल्यूज देगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई कॉसेक एक्स का जो ग्राफ है ना, वो साइन एक्स के सर पे नाचता है, देखो सर पे नाचता हुआ ग्राफ है ना, इसके सर पे नाच रहा है। कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं होता है, 0π, 2π, 3π, मतलब जहां साइन जीरो है वहां कॉसेक नहीं डिफाइंड, ठीक है। तो साइन के सर पे नचवा दो, है ना, ये देखो साइन के सर पे बैठा है ये कॉसेक का ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स जो कि साइन एक्स के सर पे है, 0 पे, π पे, 2π पे, 3π पे, यहां पे ये इंफिनिटी को भाग जाता है, देखो पाई पे ये ग्राफ इंफिनिटी को भाग रहा है, ठीक है। 0 से π फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, इसके अंदर देखो साइन भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ हमें ध्यान रखना है। दोनों मिलते कहां पे है, π/2 पे, दोनों की वैल्यू सेम है, साइन एक्स कॉसेक एक्स दोनों की वैल्यू π/2 पे सेम है, 3π/2 पे सेम है, 5π/2 पे सेम है, ठीक है, यहां पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ओके क्लियर है। अब देखिए कॉस एक्स का ग्राफ, ओके, इसका जो ग्राफ है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, π/2, 3π/2, 5π/2, यहां पे कॉस एक्स जीरो हो जाता है, ओके, एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 0π, 2π पे, 4π पे, -2π पे, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू देता है ना +1, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे +1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 वैल्यू दे रहा है, देखो पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1 है ना, 3π पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 एंड सो ऑन। तो ये रहा कॉस एक्स का ग्राफ, अगर हमें सेक एक्स का ग्राफ बनाना है, फिर से कॉस एक्स के सर पे नचवा दो, ठीक है, ये सेक एक्स का ग्राफ हो जाता है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। तो जहां कॉस एक्स जीरो हो रहा है ना, वहां सेक एक्स नहीं डिफाइंड, π/2, 3π/2, 5π/2, यहां पे सेक एक्स डिफाइंड नहीं है, ठीक, क्लियर। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x, ये डिफाइंड नहीं होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, जैसे π/2 पे ये प्लस इंफिनिटी चला गया है ना, 3π/2 पे भी देखो इंफिनिटी जा रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। कहां जीरो हो रहा है, इसका ग्राफ जीरो होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, जैसे कि है ना
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, जैसे कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, है ना। 0 पे देखो 0 हो रहा है, फिर पाई पे 0 हो गया, फिर 2 पाई पे 0 हो गया, माइनस पाई पे 0 हो रहा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 हो रहा है। इसका ग्राफ ध्यान रखना है, तो आपको सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का ग्राफ ध्यान रखना है ना, और इसी ग्राफ को सेम कॉपी पेस्ट करते चले जाए। तो ये रिपीट होता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, जो ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, सेम टू सेम ग्राफ पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, सेम टू सेम ग्राफ आगे भी मिलता हुआ दिखाया जाएगा। तो दिस इज अ रिपीटेटिव ग्राफ, है ना, क्लियर है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x, ओके। फाइनली y इज इक्वल टू cot x का भी ग्राफ बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना। cot x जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइंड नहीं है, है ना, पाई 2 पाई 3 पाई, बेसिकली जहां पे tan 0 हो रहा है वहां cot नहीं डिफाइंड, है ना, जहां tan 0 हो रहा है वहां cot नहीं डिफाइंड। वैसे भी cot x होता है cos x अपॉन sin x, तो जहां sin x 0 हो रहा है और sin x 0 होता है 0 पाई 2 पाई वगैरह इन पे, तो वहां पे cot नहीं डिफाइंड। cot कहां 0 होता है, है ना, y इज इक्वल टू cot x में जब x की वैल्यू पाई बाई 2 रख दो तो cot 0 हो जाएगा, क्योंकि cot x होता है cos x अपॉन sin x, जहां cos x 0 वहां cot x भी 0, ओके। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 है, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, यहां पे ग्राफ कट करेगा x एक्सिस को, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से पाया जाएगा, है ना बच्चा पार्टी। अब बस 0 से पाई के बीच का ग्राफ ध्यान रखें, है ना, 0 से पाई के बीच का ग्राफ ध्यान रखें कि पाई बाई 2 पे x एक्सिस को कट कर रहा है, 0 प्लस पे इंफिनिटी जा रहा है, पाई से जस्ट छोटा माइनस इंफिनिटी, ऑफ कोर्स क्योंकि पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज आनी चाहिए, वो आ भी रही है। अब इसी ग्राफ को आगे कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, ठीक है, इसी ग्राफ को आगे कॉपी पेस्ट करो ना बच्चा पार्टी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cot x, है ना, लेट्स मूव अहेड। तो ये ग्राफ ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, है ना, लेट्स मूव अहेड। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आता है साइन a cos b माइनस cos a sin b, इधर अगर प्लस है तो यहां पे भी प्लस, यहां पे माइनस तो यहां पे भी माइनस। साइन का अगर एक्सपेंशन ये कर रहे हैं तो एक टर्म साइन की तो दूसरी कॉस की देखने को मिल रही है ना, यहाँ पे देखो कॉस की टर्म है तो दूसरी साइन, तो साइन और कॉस दोनों मिलजुल के रह रहे हैं। कोसाइन ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन करेंगे तो दोनों टर्म्स कॉस की एंड दोनों टर्म्स साइन की मिलेगी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस पाया जाएगा, इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस, है ना, कॉस का सर उल्टा ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों कॉस दोनों साइन, यहाँ पे माइनस तो इधर प्लस, ओके बच्चा पार्टी। tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a माइनस b व्हिच इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इंपॉर्टेंट है कि यहां पे प्लस है तो इधर प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, यहां पे माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस तो डिनोमिनेटर में प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन से आप ये फॉर्मूले ध्यान में रख सकते हैं, ओके। कुछ स्पेशल केसेस, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, बेसिकली ये लिखा है tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इनटू tan थीटा, ओके, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू ये जनरली हमें यहां से यहां तक जाना काम आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी ऐसे सवाल अपन देखते हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन दे दी होती है, इसका इंटीग्रेशन पूछा होता है, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, बट अगर हम ये समझ जाए कि भैया ये इसके इक्वल है तो tan थीटा का इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी इस टाइप की आइडेंटिटीज बहुत काम आती है, इधर से इधर जाना आना चाहिए, है ना, इधर से इधर पहुंचना आना चाहिए अपने को, ठीक। साइन टू थीटा, इसका फॉर्मूला रहता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला कि 2 थीटा को हाफ एंगल थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पे अगर थीटा लिखा होता तो इधर थीटा बाई 2 लिखा होता, यहां पे अगर 4 थीटा लिखा होता तो यहां पे 2 थीटा लिखा होता है ना, बेसिकली हाफ एंगल में कन्वर्जन किया जा रहा है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इसी का एक और फॉर्मूला रहता है, वो दोनों फॉर्मूलेस भी अपन अभी दिखा देंगे आपको। tan 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले में दोनों a और b को थीटा पुट कर देंगे तो यही फॉर्मूला वहां से डिराइव हो जाता है, ओके।
जैसे साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो 2 sin θ/2 cos थीटा बाई टू, cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, cos 2 थीटा के तीन फॉर्मुलेज होते हैं, एक तो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी को पूरे को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जाता है। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, इसी को पूरा साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करके इस तरीके से भी लिखा जाता है कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, तीनों ध्यान रखें। ठीक है, टैन के टर्म्स में भी लिखा जाता है इनका फॉर्मूला कि अगर cos 2 थीटा को tan थीटा के टर्म्स में जो फॉर्मूला आता है दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड sin 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला, एंड tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखें जरा, tan 2 थीटा के फॉर्मूले में इतना फर्क है कि यहां पे भी डिनोमिनेटर में माइनस आता है, है ना, साइन टू थीटा में प्लस है, यहां पे भी प्लस है। तो ये टेन थीटा के टर्म्स में भी फॉर्मुलेज ध्यान रखें। ओके, तो कॉस टू थीटा के तीनों फॉर्मुलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही होता है। ठीक है, जनरली यहां से हमें ये यूज करना है कि 1 प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होती है, एंड 1 माइनस कॉस टू थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, क्योंकि कॉस टू थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कभी भी एक्सप्रेशन लिख रखा हो तो उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ये कभी भी एक्सप्रेशन लिख रखा हो तो उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। यहीं से हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा के बारे में भी समझ में आता है कि अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर। चलिए, साइन 15 डिग्री की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि 15 डिग्री को लिख दे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बैठा है। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करें तो साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाई 2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2। इनकी वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ना, आंसर आता है रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है साइन 15 डिग्री, याद रखा जाए। साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है वही cos ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू है बच्चा बाटे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम होते हैं साइन एंड cos के, साइन 15 cos 75 सेम वैल्यू होती है, जैसे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है ना। तो साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कॉस। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज भी ध्यान रखें कि अगर हमें साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू पूछी गई तो फर्क बस इतना सा है कि यहां पे, ठीक है, कि साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 45 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसा लिखा। 15 डिग्री को भी आप चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख देते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका भी एक्सपेंशन करते हैं, सेम ही आंसर आता। तो साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू आती है रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। ठीक है, वैल्यू ये बहुत अच्छे से, साइन 75 डिग्री रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, cos 15 डिग्री की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। तो इधर से tan 15 डिग्री की भी वैल्यू आ जाती है, tan 15 डिग्री बराबर sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, मतलब रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। इसको फर्दर रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, है ना, रैशनलाइज करके लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, दैट इज द वैल्यू फॉर tan 15 डिग्री। ओके, देखो रैशनलाइज करते हैं, अगर मतलब रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, है ना, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये 4 माइनस 2 रूट 3 बनेगा। ठीक है, 4 माइनस 2 रूट 3, डिनोमिनेटर में 2 बन रहा है तो डिवाइड करने पे 2 माइनस रूट 3, दैट इज द वैल्यू फॉर tan 15 डिग्री। और ध्यान रखें cot 15 डिग्री की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। तो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन के साथ ध्यान रखोगे तो याद करना ईजी रहेगा, अदरवाइज याद करना वही चीज मुश्किल हो जाएगी। अगर हमसे cos 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए, ये याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। इसको सिंपली अपन ऐसे कर सकते हैं ना कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos square थीटा माइनस 1, दैट इज द वैल्यू फॉर cos 2 थीटा। ओके, तो इधर से cos square थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू सिंपली यहां पे रख दो ना, पुट थीटा बराबर 22.5 डिग्री। थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री रखोगे तो cos ऑफ 2 टाइम्स 22.5 व्हिच इज 45, cos 45 डिग्री की वैल्यू पता है, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इधर से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पॉजिटिव वाली हम वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो इधर से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो cos ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें याद नहीं रखनी बट निकाल सकते हैं। हमें कौन सी वैल्यू ध्यान रखनी है, अपने को tan ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है, tan ऑफ 22.5 डिग्री, या फिर इसको tan ऑफ पाई बाई 8 भी बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू ध्यान रखें, दैट इज इक्वल टू रूट टू माइनस 1, ठीक है, रूट टू माइनस 1 है ना। डिराइव करना सिंपल है, डिराइव करने के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। We can use this identity to derive this thing. Tan theta बराबर 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta. क्योंकि देखो 1 minus cos 2 theta क्या होता है? 2 sin square theta. Sin 2 theta को कैसे break कर सकते हैं? 2 sin theta into cos theta. तो right hand side tan theta ही बन रहा है। अब theta की जगह 22.5 degree रख दो, है ना? 22.5 degree. तो tan 22.5 degree की value आ जाएगी, क्योंकि cos 2 theta की value पता है. Cos 2 theta will be cos 45 degree, which is 1/√2 sin 2 theta, ठीक है? तो इस आइडेंटिटी से, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चा बाड़े, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ध्यान रखे इसका, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज आती है आइडेंटिटी, है ना। तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू रूट टू माइनस 1, और cot 22.5 डिग्री की वैल्यू दैट इज रूट टू प्लस 1। रिमेंबर दीज टू वैल्यूज, ठीक है, सिंपल। चलिए, और इसी को tan pi by 8 भी बोल सकते हैं ना, चलो लिख रखा है tan pi by 8, let's move ahead. Prove that cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta is equal to sin of 8 theta upon 8 sin theta. जब भी cosine के प्रोडक्ट लिखे हो और उसके अंदर एंगल्स डबल होते जा रहे हो, जैसे theta, फिर 2 theta, फिर 4 theta, इस तरीके से एंगल्स डबल हो रहे हो, तो इस टाइप की सीरीज में हम लोग क्या करेंगे ना, एक चेन रिएक्शन चालू करेंगे। चेन रिएक्शन, कौन सी चेन रिएक्शन सर? देखो बेटा, यहां पे आप करो क्या करो, जितनी कॉस की टर्म है ना, उतने 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 टर्म्स है तो 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया और 2 क्यूब से डिवाइड कर दिया। 3 टर्म्स है ना, तो इसलिए 2 क्यूब से मल्टीप्लाई, 2 क्यूब से डिवाइड कर दो, और जो स्मॉलेस्ट एंगल है cos थीटा, उसी का ही साइन दे दो इसको, है ना, उसी का ही साइन खिला दो, साइन पिला दो, ठीक है। मतलब sin थीटा से डिवाइड करो, sin थीटा से मल्टीप्लाई करो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बना लेगा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके साइन 2 थीटा। इधर ये साइन 2 थीटा बन रहा है, कॉस 2 थीटा बैठा है, 2 क्यूब मैंने इसीलिए मैंने 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है 3 बार 2 की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फिर 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 4 थीटा बन जाएगा, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन ऑफ 8 थीटा। मतलब न्यूमरेटर में जो चेन रिएक्शन चालू हुई ना, फाइनली इस चेन रिएक्शन का आउटकम आएगा साइन ऑफ डबल ऑफ दिस एंगल, 4 थीटा का डबल कितना, 8 थीटा। डिनोमिनेटर में 2 क्यूब मतलब 8 साइन थीटा, हेंस प्रूफ, ठीक है। मैंने स्टेप सारे के सारे मेंटली किए हैं, ओरली किए हैं, आप कर सकते हो। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, फिर 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 8 थीटा। ये न्यूमरेटर में चेन रिएक्शन चालू हो गए, ठीक है। तो कोसाइन में जब भी एंगल डबल्स हो रहे, डबल होते जा रहे हो, इस तरीके से अपने को यूज करना है। इसी का एक जनरल फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि देखो cos 2 थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन अप टू cos की cos 2 रेशो द पावर n माइनस 1 थीटा। यहां पे एंगल्स डबल होते जा रहे हैं, कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है ना, कितनी n टर्म्स। देखो 2 की पावर 0 से चालू होके 2 की पावर n माइनस 1 तक टोटल n टर्म्स है। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, और साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल,
साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मैं काम करने वाला हूं, ये जो पूरी सीरीज है विच इज कॉस थीटा कॉस टू थीटा, ठीक है, कॉस फोर थीटा एंड सो ऑन अप टू कॉस ऑफ टू की पावर एन माइनस वन थीटा, इसको अपन ने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 की पावर n से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 का यूज n बार आने वाला है ना। ओके, तो 2 sin थीटा cos थीटा डबल बन जाएगा sin 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा cos 2 थीटा और 2 मिलके जब मिल बैठेंगे ये तीनों यार तो sin 4 थीटा बना लेंगे। फिर ऐसे चलते चलते फाइनली जो न्यूमरेटर में चेन रिएक्शन है उसका आउटकम आएगा sin ऑफ डबल ऑफ दिस एंगल 2 की पावर n माइनस 1 का डबल 2 की पावर n हो जाता है, 2 रे टू द पावर n माइनस 1 का डबल, मतलब इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर n, और डिनोमिनेटर में चुपचाप शांति से बैठे हैं 2 की पावर n sin थीटा, ठीक है। दिस इज आवर राइट हैंड साइड, सिंपल है ना। दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमें ध्यान रखनी है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जनरली अपन इस तरीके से यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी लिख दिया जाता है, ये याद करने की जरूरत आपको है नहीं, बस इसी फॉर्मेट में ध्यान रखो। आप चाहो तो कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट डबल डबल क्यों याद करना, बस इतना सा याद करो, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जनरली इधर से इधर तक जाना काम आता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को अपन ऐसे लिख सकते, ठीक है, cos of a plus b into cos of a minus b बराबर cos square a minus sin square b। ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं, ट्राई करिएगा। 54 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 6 डिग्री, 66 को लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री, तो ये वही चीज लिखी है, cos of 60 माइनस 6 into cos of 60 प्लस 6, cos of a plus b into cos of a minus b, तो वो आइडेंटिटी हमने देखी है, वो यूज कर लेना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आती है जो हर जगह काम आने वाली है, जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर होता है 1 प्लस sin 2 थीटा के इक्वल, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा को अपन लिख देंगे sin ऑफ 2 थीटा। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है बच्चा पार्टी, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये भी मैंने बता दी है, ठीक है। ये अपन बेसिकली ये आपको सारी प्रूव करनी है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, जैसे ये मैंने बताई दी 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे, आ जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा का इक्वल, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि टेन एक्स को लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, न्यूमरेटर में टेन वाई को लिख देंगे साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही यहां पे न्यूमरेटर में बनेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जो कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का रूप ले लेगा। यही सेम काम डिनोमिनेटर में करना है, तो ये इजीली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा पता है, इधर भी इजीली अपन कर सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा कॉमन ले लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, एंड 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सेम यही काम करना है यहां पे, कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा, इसके लिए क्या करोगे कि cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा, cos 2 थीटा को देखो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, कैसे जाना है यहां से यहां तक, cos 2 थीटा को हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस sin 2 थीटा पहली आइडेंटिटी याद करो, वो मैंने लिखा था कि cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बनता है, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस sin 2 थीटा, ओके। न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो cos थीटा माइनस sin थीटा, दूसरा cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा का फैक्टर कैंसिल आउट होके न्यूमरेटर में यही फैक्टर बचेगा, डिनोमिनेटर के अंदर cos थीटा प्लस sin थीटा बच जाएगा, एंड यही चीज होती है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी, लेट्स मूव अहेड। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, प्रूव करने के लिए cot थीटा को लिख देंगे cos अपॉन sin, tan को लिख देंगे sin अपॉन cos, LCM ले लेंगे, तो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बनेगा जो cos ऑफ 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में sin थीटा cos थीटा बनेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2 थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो यही आइडेंटिटी इजीली प्रूव हो जाएगी, ठीक है।
2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is sine of 2 theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, that is cos of 2 theta. तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, प्रूव करने की जरूर कोशिश करें. ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछा गया है, आपको एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कि अगर a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई फोर है, देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, ठीक है. ये ध्यान रखें, डायरेक्टली ध्यान रखें कि 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी अगर a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई फोर है. प्रूव करना बहुत सिंपल है, दोनों साइड सिंपली टेन ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में टेन ऑफ ए प्लस बी, राइट हैंड साइड में टेन ऑफ पाई बाई फोर. टेन ऑफ ए प्लस बी को एक्सपेंड कर देंगे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड लाके इजिली अपन ये चीज प्रूव कर सकते हैं, ठीक. अब कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कॉस थ्री थीटा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक. ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई फोर टाइम्स cos 3 थीटा. प्रूव करना इसको सिंपल है कि cos 60 डिग्री माइनस ए इंटू cos 60 डिग्री प्लस ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस तरीके से अपन लिख के इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं. बाकी आपको इसको एज इट इज डायरेक्टली ध्यान रखना है. इसी के रिलेटेड एक और आइडेंटिटी होती है कि sin थीटा इंटू sin 60 डिग्री माइनस थीटा, है ना, इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई फोर टाइम्स साइन 3 थीटा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आइडेंटिटी आती है टेन थीटा इंटू टेन 60 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन 3 थीटा, ठीक है. याद रखें इन तीनों आइडेंटिटीज को. ओके, लेट्स मूव अहेड. साइन 18 डिग्री की वैल्यू ध्यान रखनी है, दैट इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, ठीक है, रूट फाइव माइनस वन बाई फोर. इसका प्रूफ किस तरीके से आता है, इसको अपन इस तरीके से प्रूफ करते हैं कि भाई 18 डिग्री को मैंने थीटा बोला तो 5 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री. 5 थीटा को दो पार्ट में तोड़ दिया मैंने, 2 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक को मैंने उस साइड भेज दिया, 3 थीटा को इधर रखा, 2 थीटा को उस साइड भेजा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा. अब दोनों साइड साइन ले लो या कॉस ले लो, जो आपकी मर्जी. तो साइन 3 थीटा बराबर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा. साइन 3 थीटा की वैल्यू रख देंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा मतलब ये कॉस 2 थीटा बनता है. कॉस 2 थीटा को भी साइन के टर्म्स में तोड़ देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा के टर्म्स में एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, एक रूट अपन उसका निकालेंगे हिट एंड ट्रायल से, है ना, उसके रूट्स निकालेंगे, उसके रूट में से वन ऑफ द रूट विल बी रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, दैट विल बी द वैल्यू फॉर साइन ऑफ 18 डिग्री, ठीक है. ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है. ओके, अब अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन लिखी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि अपन हर एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर रहे हैं. इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन ट्रिग्नोमेट्री. इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे ऑफकोर्स. तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इसको साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा लिखा जा सकता है. मतलब इसको मैं अगर कॉस अल्फा बोलूं तो ये साइन अल्फा हो जाएगा बच्चा, ठीक है. तो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना. वही काम यहां पे भी कर सकते हैं कि मैं इसको साइन अल्फा भी बोल सकता हूं. मतलब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मेट बनाओ, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मेट बनाओ, है ना. फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन है रूट थ्री साइन एक्स माइनस, है ना, कॉस एक्स, ये एक्सप्रेशन लिख रखिए. इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो दोनों के टर्म्स में ले जाया जा सकता है. तो पहला काम तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, है ना. तो ये बनेगा 2 टाइम्स रूट 3 बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉस एक्स. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे ए की वैल्यू होगी रूट 3,
बी की वैल्यू हो गई है ना वन या माइनस वन, जो भी लेना चाहो, ठीक है, बी बराबर वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर विच इज फोर, उसका अंडर रूट विच इज टू, तो अपन टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब ये काम कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार सी चीज बनते हुए दिखाई दे रही होती है। अब इसको मैं चाहूं तो कॉस का कुछ एंगल ले लूं, कि कॉस में पाई बाई सिक्स ले लिया, कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो ये साइन पाई बाई सिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बन गई, देखो साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई सिक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई सिक्स, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट विल बी साइन ऑफ ए माइनस बी, तो टू टाइम साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, ऐसा सा बन जाएगा ये, ठीक है। अदरवाइज इसको अपन साइन का भी ले सकते थे, है ना, इसको कुछ कॉस का ले लिया, इसको साइन है ना साइन पाई बाई थ्री बोल दिया, इसको कॉस पाई बाई थ्री बोलते, तो दोनों में अपन ले जा सकते हैं। ओके, हमेशा ध्यान रखें ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होती है दैट इज माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल अपन इजिली कर सकते हैं, ठीक है। रूट थ्री कॉस सेक 20 माइनस सेक 20 डिग्री की हमें वैल्यू बतानी है, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। हिंट दे देता हूं कि कॉस सेक 20 डिग्री को 1 अपॉन साइन 20 डिग्री लिखना, sec 20 डिग्री को 1 अपॉन cos 20 डिग्री लिखना, एलसीएम ले लेना। तो न्यूमरेटर में रूट थ्री कॉस 20 माइनस साइन 20 टाइप का बन रहा होगा, उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, हो जाएगा इसके आगे, है ना। ट्राई करिएगा इस सवाल को। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू फाइव, मिनिमम वैल्यू माइनस फाइव। यहां पर भी देखो टू थीटा के टर्म्स में लिखा है, तो फिर से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस फाइव हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस फाइव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी एंगल सेम होना, चाहे वो थीटा थीटा हो, टू थीटा हो ना, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है। फिर उसके मॉड्यूलस की वैल्यू पूछ ली, मैक्सिमम मिनिमम, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान रखें, जब भी क्वाड्रेटिक बन रही है कॉस के टर्म्स में या साइन के टर्म्स में, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना के अपन लोग जा सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक के साथ कैसे डील किया जाता है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा है, तो ये भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। बट फर्क इतना सा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस थीटा जो है वो माइनस वन से वन के बीच का वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक है तो माइनस डी बाई फोर ए इज द मिनिमम वैल्यू, ना ना ना, ठीक है। अपने वो देखना पड़ेगा कि भाई ये माइनस वन से वन के बीच में ही कॉस थीटा रह सकता है। तो एक तरीका आता है जिसके अंदर अपन परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करते हैं, कि टू टाइम्स ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस वन को यहां पे साइड में रख देंगे, है ना। तो टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टू कॉस स्क्वायर कॉस थीटा लिखा है ये। यहां पे मैंने वन बाई फोर का स्क्वायर, जैसे इसको ए स्क्वायर, इसको टू ए बी की तरीके से देखो ना, वन बाई टू को अपन कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू वन बाई फोर, तो ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपन ऐड कर देंगे, मतलब 1 बाई 16 ऐड कर दिया, 1 बाई 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये cos थीटा प्लस 1 बाई 4 का, cos थीटा प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। बाहर 2 लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहां पे माइनस 1 बाई 16 से मल्टीप्लाई होके माइनस 1 बाई 8, और माइनस 1 यहां पे बैठा ही है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos थीटा प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 9 बाई 8। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इस परफेक्ट स्क्वायर को मैं जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। क्या जीरो हो पाएगा, मतलब cos थीटा की क्या वैल्यू रख सकते हैं, और अपने को पता है कि cos थीटा माइनस वन से वन के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है, मतलब माइनस वन बाई फोर भी हो सकता है। तो जब cos थीटा माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बनते ही मिनिमम वैल्यू माइनस नाइन बाई एट आ जाएगी, है ना, कि मिनिमम इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई एट जब ये जीरो बन जाए। अगर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो इसके लिए यहां पे परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर प्लस वन रख देंगे, कॉस थीटा मैक्स टू मैक्स प्लस वन तक जा सकता है, वन वन बाई फोर में एड होके मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो इसी टाइप के सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कॉस टू थीटा को यहां पे
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख देना, फिर पिछली तरीके ही सवाल बन जाएगा क्वाड्रेटिक। अब देखो इधर, प्रोडक्ट को समीशन में बदलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं कि टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस, है ना। इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें, ऐड करें, तो ये मिलता है अपने टू कॉस ए साइन बी, इसी तरीके से, है ना। ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप तो बस पहला वाला ध्यान रखो कि जब भी साइन और कॉस का प्रोडक्ट जब मिल बैठे ये तीन यार कौन टू साइन एंड कॉस, तो ये साइन के टर्म्स में टूटता है ना। अगर टू कॉस और कॉस बैठा है तो ये कॉस कॉस के टर्म्स में टूटेगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगर टू साइन और साइन का प्रोडक्ट है तो भी ये कॉस के टर्म्स में टूटेगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सोच के देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी का एक्सपेंशन होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस ए कॉस बी वाली टर्म तो कट जाएगी, साइन ए साइन बी वाली टर्म दो बार ऐड होके टू साइन ए साइन बी बनाएंगे। तो वहां से ये फॉर्मूले आते हैं, तो ये प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले, इसी तरीके से फॉर्मूले आते हैं सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के, कि अगर साइन सी प्लस साइन डी लिखा है तो दैट इज इक्वल टू टू टाइम साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो अगर साइन साइन को ऐड कर रहे हैं तो एक टर्म साइन की दूसरी टर्म कॉस के आते हैं, साइन साइन को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो एक टर्म साइन की दूसरी टर्म कॉस के आती है, बीच में माइनस है तो साइन के अंदर माइनस रहेगा तो कॉस में प्लस रहता है, बीच में प्लस है तो साइन में प्लस रहेगा कॉस में माइनस रहता है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन जिससे फॉर्मूले याद रहे हैं हम। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो कॉस कॉस को ऐड करें तो दोनों टर्म्स कॉस की मिलती है, कॉस कॉस को सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों टर्म्स यहां पे साइन की मिलती है, ठीक है, कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, और यहां पे साथ के साथ एक माइनस का भी साइन है ना, कि माइनस टाइम्स। आप चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जाके एडजस्ट भी कर सकते हो कि सी माइनस डी की बजाय डी माइनस सी बना दिया, माइनस को अंदर एडजस्ट किया तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान रखें, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ सिंपल सिंपल से सवाल ना, इन सारे सवालों को आप ट्राई करिएगा, बहुत इजीली हो जाएंगे। जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, जिससे कि ये बेसिक फॉर्मूलेज आप याद कर लो, रिवाइज हो जाए, है ना। इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड सवाल आते हैं कि साइन थीटा बराबर एन टाइम साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा, इस टाइप के सवालों को डील करने का तरीका होता है कि साइन वाली टर्म्स को एक साइड लिया, साइन थीटा प्लस टू अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू वन बाई एन, ऐसा लिख दिया इसको। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो इस तरीके से लगाते हैं कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा लिखा है, डिनोमिनेटर इसमें ऐड किया, अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर इज साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा, इसमें से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया। जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही काम सेम टू सेम राइट हैंड साइड में कर दो, कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में वन लिखा है, वन में एन ऐड किया, वन में से एन सब्ट्रैक्ट किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस, कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं इसको ना, सी एन टी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, ठीक है। अगर a बाई बी बराबर सी बाई डी लिख रखा हो तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऐसा। अब यहां पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो आपको प्रूव करना है टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इसी टाइप का ये एग्जाम्पल होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आइडिया बता देता हूं क्या करना है। यहां पे कॉस कॉस का प्रोडक्ट लिखा है, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, टू कॉस ए कॉस बी को स्प्लिट करना हमें आता है, यहां पे भी देखो कॉस कॉस का प्रोडक्ट लिखा है, टू कॉस ए कॉस बी को स्प्लिट कर दो, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, जैसे कि ये स्प्लिट होगा कॉस ऑफ एट थीटा प्लस फाइव थीटा मतलब कॉस थर्टीन थीटा प्लस कॉस ऑफ एट माइनस फाइव प्लस कॉस थ्री थीटा, तो ये कॉस थर्टीन थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा में देखो। वैसे ये देखा जाए तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बारह प्लस नौ दैट इज ट्वेंटी वन, तो कॉस ऑफ ट्वेंटी वन थीटा प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इनका डिफरेंस थ्री थीटा है, तो कॉस ऑफ थ्री थीटा में कॉस थ्री थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में कॉस माइनस कॉस बैठा है तो वहां पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बना के, तो पहले बेसिकली तोड़ना है फिर जोड़ना है ना, पहले तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा, देखो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले इनको स्प्लिट करना है,
फिर एक कॉस कॉस की टर्म्स बचेगी है ना, उनको वापस से क्लब कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये प्रूव कर सकते हैं। सो ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, यू विल गेट दिस। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आती है, अगर एंगल्स यहां पे एपी के अंदर दे रखे हो, जैसे साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस डी प्लस साइन ऑफ ए प्लस टू डी एंड सो ऑन अप टू साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी, यहां पे देख सकते हैं एपी में एंगल्स है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का सम होता है साइन ऑफ एन डी बाई टू अपॉन साइन ऑफ डी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। इसको याद करने का बेटर तरीका मैं ये बताऊंगा कि आप इसको ऐसे याद रखें, देखो साइन ऑफ एन डी बाई टू, जहां पे n है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है कॉमन डिफरेंस, तो साइन ऑफ एन डी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन डी बाई टू, ये टर्म याद रहेगी, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाई टू। इस तरीके से अपन याद रख सकते कि फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल का सम होल डिवाइडेड बाई टू, ऐसे याद रखना ज्यादा ईजी रहेगा। वैसे ही कोसाइन के टर्म्स में सीरीज आती है, अगर एंगल एपी के अंदर है तो यहां पे ये दो टर्म्स तो सेम रहेगी, साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू, और इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाई टू। फर्स्ट एंगल इज ए, लास्ट एंगल इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होल डिवाइडेड बाई टू। दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। एपी के अंदर एंगल्स है, यहां पे फर्स्ट टर्म 2π/7, कॉमन डिफरेंस भी यहां पे 2π/7, एंड नंबर ऑफ टर्म्स है इधर 3। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, यू कैन गेट योर आंसर सेम टू सेम। ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करना। अब कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज आती है, ठीक है। जनरली ट्राइंगल के अंदर जो कंडीशनल आइडेंटिटीज रहती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, तो हमें ध्यान रखना है कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी की वैल्यू 4 साइन ए साइन बी साइन सी लिखी जा सकती है। प्रूव करना सिंपल है कि इसमें पहले साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, जो भी आउटकम आएगा साइन टू सी को 2 साइन सी कॉस सी लिख दो, है ना, उसको खोल के आप इजिली इसको प्रूव कर सकते हो ना, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मुलेज ही लगेंगे इसमें, सिंपल है, ठीक है। और कुछ बातें ध्यान रखें कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी है, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी, मतलब साइन सी, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस सी साइन सी के इक्वल, एंड साइन ऑफ a प्लस बी इसकी वैल्यू सेम होती है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखेंगे तो ये इजीली आप प्रूव कर पाएंगे। ट्राई करना इसको खुद से प्रूव करना, हो जाएगा बहुत इजीली, ओके। कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी की वैल्यू माइनस वन माइनस फोर टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी के इक्वल होती है। इसको भी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यहां पे लगाना, कॉस टू सी को ब्रेक कर लेना, टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन, कॉस टू ए प्लस कॉस डी बी टू बी का फॉर्मूला लगाओगे, आगे बनता चला जाए, ठीक। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होता है अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है। ये तीनों आइडेंटिटीज कंडीशनल आइडेंटिटीज है, मतलब दिस इज ट्रू अंडर द कंडीशन दैट ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसी कंडीशन के अंदर ये तीनों आइडेंटिटीज ट्रू है। इसको भी प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है कि ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी लिख देना, दोनों साइड टेन ले लो, तो टेन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में टेन ऑफ पाई माइनस सी बनेगा। टेन माई पाई माइनस सी को माइनस टेन सी लिख दोगे, टेन ऑफ ए प्लस बी को एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये चीज बनती हुई दिखाई दे जाएगी। वैसे ही टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू वन, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसको प्रूव करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू किसके इक्वल है, पाई बाई टू के इक्वल है। a प्लस बी प्लस सी पाई है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। a बाई टू प्लस बी बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड में रखें, c बाई टू को राइट हैंड साइड में भेज दे, तो राइट हैंड साइड में बन गया पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। दोनों साइड यहां पे फिर से टेन ले लो, तो टेन ऑफ a बाई टू प्लस बी बाई टू बराबर टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। इसको एक्सपेंड कर दे, 10 पाई बाई टू माइनस सी बाई टू कॉट सी बाई टू होता है, तो इसके आगे बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर देंगे, 10 ए बाई टू प्लस 10 बी बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 ए बाई टू इंटू 10 बी बाई टू, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लिया है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली है, सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देख ली है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आप क्या कर सकते हैं,
पीडब्ल्यू ऐप पे जाइए और ये नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स डाउनलोड कर लो, आपके फटाफट रिवीजन के लिए काम आएंगे। जो क्वेश्चन मैंने खुद से करने के लिए दिए हैं आपको होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर ले। इतना काम अगर आपने कर लिया मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आप हो चुके हो स्ट्रांग, ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी हो गई है रिवाइज, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इस सेशन ने अपना रिविजन का पर्पज पूरा किया हो। तो थैंक यू एवरी वन फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मांकर साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।